प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। सुप्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी का नया गाना रेलिया बैरंग सोमवार राजधानी लखनऊ के पांच सितारा होटल में लॉन्च किया गया। ये गीत सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगा। सचिन कुमार ने इस पारंपरिक गीत को अपने सुमधुर संगीत से सजाया है। मालिनी अवस्थी ने बताया कि विस्थापन पूरब की त्रासदी रही है, एक बेहतर जिंदगी की तलाश में हर रोज अपना गांव, घर परिवार छोड़कर रेलगाड़ी में बैठकर ना जाने कितने ही युवा अपने सपने पूरा करने परदेश जा बसते हैं और पीछे रह जाती हैं प्रियतम की इंतजार करती दो जोड़ी तरसती आंखें। प्रतीक्षा के लंबे समय को आंसुओं में नहीं मन भावों में गूंथकर गाकर व्यक्त करने की कला हमारी पूर्वजों में थी, जिन्होंने लोक गीतों के जरिए एक दूसरे से अपना सुख दुख गाकर साझा किया करते थे। यह वह रेल बैरन है जो पिया को लेकर चली गई है। उन्होंने कहा कि इस गीत की आत्मा आज भी उतनी ही पवित्र है। आज इसे फिर से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आज भी विस्थापन यानी माइग्रेशन जारी है। आज भी लोग अपने गाँव को छोड़ करके बेहतर जिंदगी के तलाश में कस्बा, कस्बे के बाद शहर, शहर के बाद महानगर, हमारे बाप दादा ने भी यही किया और आज भी हो रहा है। लेकिन मजूरी करने गया पति पीछे जिसे छोड़ जाता है, पत्नी पूरे परिवार का ख्याल रखती है, खेती किसानी भी देखती है और उस प्रतीक्षा के इतने लंबे समय को भी कैसे गा बजा के उत्सव बदलती है। यहाँ वहाँ सारी औरतें साझा उनका दुख था, सबके पति परदेश में गाते रहे। ये 100 साल पुराना कम से कम गाना है। मैंने आज इसकी ऐतिहासिकता बताई कि हमने राम नरेश त्रिपाठी जी की पुस्तक में देखा, लेकिन आज भी इसके भाव आज भी देखिए सार्वभौमिक हैं। जौने साहबुआ के संयम मोरे नौकर गोली दा गए, आजकल किसी भी पत्नी को आप पूछिए तो वो उसके मन में आक्रोश, जौने सौतनिया पति नहीं लौटे ऐसा तो नहीं कोई कोई और चक्कर है। स्त्री के भाव है, इसमें श्रृंगार भी है, प्रेम भी है, आक्रोश भी है, ईर्ष्या भी है और विनोद है सबसे बड़ी बात। तो ये आजकल की लड़कियों को भी सीखने की जरूरत है कि हमारी जो बुजुर्ग पूर्वजाएं थी किस तरह से वो संघर्ष के समय को भी उत्सव में बदल देती थी। उन्होंने अपने तकलीफों को आंसुओं से नहीं शब्दों में गा करके रचा पसंद। मैम मंच पे तो लगातार आप गाते हैं, लेकिन अभी जो ये क्योंकि अब प्रॉपर लॉन्च हो गया है यूट्यूब पे, तो इसको क्या जरूरत थी? बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ मैं, मुझे लगता है कि अवधि के लिए और पारंपरिक लोकगीत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आमतौर पे सब फिल्म म्यूजिक या आजकल आप देखते हैं वो फ्यूजन म्यूजिक के पीछे भागते हैं और म्यूजिक कंपनी सारेगामा एचएमवी हमेशा गुणवत्ता के लिए जानी गई है। उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अच्छा वीडियो बनवाएंगे, अच्छा गाना, और आप उन्होंने कहीं एक बार भी नहीं कहा मुझसे कि आप मुंबई का म्यूजिक डायरेक्टर लीजिए, इसको ढिंचक बनाइए। और ये मैंने उनसे कहा भी था कि मेरी पहचान भी उसी हर कलाकार की छवि होती है, मुझसे लोग उम्मीद करेंगे कि मैं पारंपरिक संगीत लेकिन आज की साउंड हो, तो कोशिश करिए। वीडियो भी आप देखें तो उसमें वो परदेसी है, उसको विदा हो रहा है, उसकी पत्नी है और गीत नहीं है, लेकिन हमने वीडियो में सुखांत रखा है कि परदेसी वापस आ गया। तो मुझे लगता है हर घर की कहानी है पूर्वांचल में, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सब एक ही तकदीर है हम लोगों के गाँव के घर की। तो मुझे लगता है सबके मन को छुएगा और आपको भी इसको देखें सुने सफल होगा तो और गाने हम लोग आगे भी जारी रहेगा। मुझे लगता है क्योंकि इन्होंने बड़े उत्साह से पूरी कंपनी आई, वरना ये गाना तो बिना लॉन्च के आजकल ऐसा ही हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम इसको बड़ा इवेंट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है यदि जो कंपनी है आज की तारीख में यदि वो इसमें आगे हाथ बढ़े तो कलाकार हमारे जैसे कलाकार तो बिना इसके ही अपने आप गाना बजाना अपना कर्तव्य समझ के कर ही रहे, लेकिन कंपनी हाथ लगाती है तो ये जाहिर है बहुत ज्यादा इसकी रीच है, ज्यादा लोगों तक पहुँचे। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।